हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो है तो एक बॉलीवुड स्टार किल मंगर। उन्होंने अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की लाइफ के बारे में। टाइगर श्रॉफ ने बहुत ही कम समय में कामयाबी की ऊँचाइयों को छुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 मार्च 1990 को, जब टाइगर श्रॉफ का बॉलीवुड स्टार जैक श्रॉफ और आयशा दत्त के यहाँ जन्म हुआ। टाइगर श्रॉफ को डांसिंग और मार्शल आर्ट का शौक बचपन से ही था। जब उन्होंने एक बार ब्रूस ली को टीवी पर फाइट करते हुए देखा, तभी से वो मार्शल आर्ट सीखने की जिद करने लगे और टाइगर श्रॉफ ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट में 5th degree में ब्लैक बेल्ट हैं और ये उपाधि काफ़ी मायने रखती है। टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन और माइकल जैक्सन के बड़े फैन थे और वो हमेशा से उन्हीं के डांस स्टेप को फॉलो करने का प्रयास करते रहते थे। 2009 में टाइगर श्रॉफ को काफ़ी शोज करने का ऑफर मिले, मगर उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि टाइगर श्रॉफ डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते थे। फिर 2012 में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती में उन्हें काम करने का मौका मिला और उन्होंने उसमें साइन कर दिया। हीरोपंती मूवी में उनकी को स्टार कीर्ति सैनन थी। जब 2014 में हीरोपंती का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो टाइगर श्रॉफ का काफ़ी मजाक बनाया गया, उनके लुक्स का काफ़ी मजाक बनाया गया। फिर टाइगर श्रॉफ काफ़ी निराश हुए, उन्हें लगा कि वो उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और वो कभी स्टार नहीं बन पाएंगे। फिर जब मूवी रिलीज हुई तो उनके डांस स्टेप्स और फाइटिंग स्कैंस से लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई और हीरोपंती मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। फिर इसके बाद 2 साल बाद टाइगर श्रॉफ को साजिद नाडियाडवाला ने फिर 2016 में वागी मूवी ऑफर की और वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद तो टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई और टाइगर श्रॉफ आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। फिर इन 2 मूवी के करने के बाद फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल जैसी फिल्म की टाइगर श्रॉफ ने, लेकिन वो ज़्यादा चली नहीं। इस वजह से टाइगर श्रॉफ काफ़ी निराश हुआ और उन्हें लगा उनका करियर अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद उन्होंने बागी 2 मूवी की और उसके बाद तो उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ गई। फिर इसके बाद इनकी 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी आई, वो भी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चल पाई। अब 2 अक्टूबर 2019 को 12 मूवी आने वाली है जिसमें ऋतिक उनके अपोजिट कैरेक्टर में दिखेंगे, जिससे उनके फैंस को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस मूवी में ज़बरदस्त फाइटिंग स्कैंस हैं। इनके अलावा टाइगर श्रॉफ ने कुछ एल्बम्स भी की हैं, जैसे चल वहाँ जाते हैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं और बेफिक्रा एंड रेडी टू मूव। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ है। कहा जाता है कि टाइगर श्रॉफ बचपन में शेरों की तरह नोच लिया करते थे, जिससे उन्हें सब टाइगर बुलाने लगे, इस प्रकार उनका टाइगर नाम पड़ गया। टाइगर श्रॉफ की एक छोटी बहन भी हैं जिनका नाम कृष्णा श्रॉफ है और जो टाइगर श्रॉफ से 3 साल छोटी हैं। टाइगर श्रॉफ को अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। टाइगर श्रॉफ आज जाने माने एक्टर हैं। टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि मैं बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, जैसे कि ऋतिक रोशन सर ने बनाई है। टाइगर श्रॉफ माइकल जैक्सन और ऋतिक रोशन को अपना आइडियल मानते हैं। टाइगर श्रॉफ का सपना है कि वे हॉलीवुड में एवेंजर्स में काम करें और हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किसके बारे में देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें